हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू गेम प्लीज गाइस आज जा रहे हैं माइंड क्राफ्ट एंड ये है माइनक्राफ्ट का सीजन फाइव तो गाइस आपको लास्ट एपिसोड में जैसे कि याद होगा कि मैंने बनाया था एक आयरन फार्म जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है एंड मैंने उसमें उस से थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी किया एंड उस फार्म को मतलब कोई और ही फार्म बना दिया है गेम पे चल के दिखाऊंगा तब बताऊंगा कि मैंने क्या किया उसमें एंड आज के लिए वीडियो के होने क्या वाला है टाइटन टाइगर में तो तुमको पता लग ही होगा गेम की तरफ चलते हैं और लोग गेम के तौर पर आ गए हैं ना आज की हमारी शुरुआत यार मतलब मेंशन के अंदर से हाउ इट इज पॉसिबल लेकिन चलो हर चीज़ होती है पॉसिबल फिलहाल के लिए मेरे को सोना पड़ेगा मतलब आते ही रात एंड वो देख लो गोलम फार्म अभी अलग ही लग रहा होगा फिलहाल के लिए मेरे को एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्लीज 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 नीचे चला करेक्ट चलो अभी तुम लोग को पता नहीं लगा होगा लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ ये देख रहा हूँ ऐसा नीचे जाने का एंड ये देख रहा हूँ अभी ये ये गोले ये आयरन फार्म को मैंने गोलन फार्म बना के रखा है सारे सरकारी गोलम अंदर बढ़े पा रहे हैं बट अभी इसमें क्या है ये बहुत ज़्यादा स्लो है है ना क्योंकि देखो हाथ 35 फाइव सेकेंड में एक ही गोलम स्पॉन होता है एंड देखी जाए तो मेरे को कम से कम सौ गोलम चाहिए कि जिससे मैं विधर से फाइट करवा कर पाऊँ ऐसा गोलम की एंड उसके लिए तो यार मतलब मेरे को ऐसा ऐसा आयरन पार्म बनाना पड़ेगा जिसमें अतहा गोलम अतः लेकिन भाई वो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे विजेस चाहिए एंड विलेजर्स को रखने के लिए टाउन हॉल एंड हाँ मुझे यहाँ पे एक और चीज़ मिली थी यार मैं लेकिन नीचे जाऊँगा तो आऊँगा कैसे ऊपर एक सरकारी कॉलम तो मेरा वेट कर ही रहा होगा बार चले जाते हैं मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मिले थे डायमंड यहाँ पे एंड मैंने उसको लिया नहीं जानबूझ के जिससे मैं मतलब तुम लोग के सामने लूंगा मेरा ये मन था आ गया वाओ आई एम गुड एट दिस ओके तो यहाँ पे थोड़े मैंने वन डायमंड टू डायमंड थ्री डायमंड एंड ये तोड़े मैंने फोर डायमंड तो मुझे मिले हैं टोटल टेस्ट एडवांसमेंट सीरियसली एंड यहाँ पे सरकारी गोले मोगा तो इसलिए मेरे को उड़ जाना है एक गोले में आ गया एंड ये अगर देखिए जाए तो ये जाता है एंड देन जाके उन्हीं में मिक्सअप हो जाता है बस मैं सोच रहा हूँ अपना टाउन हॉल ऐसा बेस के अंदर बनाने के लिए बट मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा सिमेट्रिक होना चाहिए टाउन हॉल जो होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए तो जैसे उज्जवल भैया ने बनाया था वैसे ही मैं भी बनाने वाला हूँ अपने ये जितना भी टाउन हॉल है या फिर विलेजर्स का घर है उनको मैं पीछे बनाने वाला हूँ बट ये मैंने एरिया साफ़ नहीं किया इसका मुझे दुख है आ, बाद में कर देंगे फिलहाल तो के लिए देखो जस्ट इसके पीछे बनाने वाला हूँ ना तो देखो चौड़ाई तो इतनी आएगी भले मतलब चौड़ाई छोटी हो जाए लेकिन लंबाई तो इतनी ही जानी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए कि मैं एक ग्लू प्रिंट निकाल लूँ जहाँ से मुझे पूरा एक को चेंज करना है उसके लिए देखो मैं बर्स का बनाऊंगा एंड मैंने लिटरली मैं बताऊं तो मैंने बर्स का मतलब अभी तक वुड इकट्ठा किया है नहीं है ना प्लैंक रहेगा नीचे लॉक नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा कि आज के आज ही यू नो सारा बर्स तोड़ दूंगा एंड मेरे पास यू ओ ओपीएक्स है तो ओ के साथ टाइम नहीं लगता है सब कुछ टूट भी जाता है जल्दी से तो गाइस फास्ट फॉरवर्ड और एडवाइज़ right देखी जाए तो मेरे पास सिक्सटी फोर प्लस फिफ्टी फाइव हो गए तो दो स्टैक पूरा पूरा मेरे को मन है कि कर लेते हैं है ना यहाँ पे स्क्रूस भी है डार्क स्पू ब्लॉक भी है तो लाल कले मैं जा रहा हूँ ज़रा सा अपने घर क्योंकि भाई मेरे को ये सारा सामान रखना है जो जो मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड गईज अगर तुम लोग ये वीडियो मतलब मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो एक बार ये न्यू लिख दो क्योंकि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा चैनल शेडो बैन हो गया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल का इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो एक बार क्या करो बस तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो जैसे इंप्रेशन बढ़े यार ठीक है बाकी मैं ये किसी मोटिव से नहीं बताता हूँ कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा नहीं आ रहे आज नहीं आ रहे कल आएंगे सो so, मुझे क्या है कि मुझे बनाना पड़ेगा एक मार्क यू you नो know, तो मार्क बनाने के लिए व्हाट शुड आई डू डेट कि यहाँ से जो सलकर बॉक्स है सलकर शेल है शुरू लाइट है वहां से मैं सीधा जाऊँगा एंड एक मार्क बनाऊँगा ये ये जो देख रहे हो ये शुरू लाइट मैं इनको लगे रहने दूंगा मैं क्योंकि देखो फ्लोर की फ्लोरिंग के ऊपर अगर कारपेट लगाने का हुआ लाइट की अगर कमी होगी तो कारपेट लगाना ही पड़ेगा और कारपेट लगाने का हुआ तो मैं लगा दूंगा सिंपल लाल के मुझे क्या है ये ये मुझे डिक करने की जरूरत थी नहीं मुझे अभी अभी पता लगा है कि ये मुझे डिक करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि इसके ऊपर से लगाने थे मेरे को हाँ लेकिन मैंने तो डिक कर दिया है तो अभी क्या है कि मैं अभी भी सुधार सकता हूँ स्टेयर्स का लुक देना ना यार गाइज मैं ऐसे ऊपर 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 लगाऊंगा ऑल राइट गाइज पूरा जो ये स्लैब वाला काम था वो लगा दिया है एंड लॉग मेरे पास बचे हैं बहुत ही ज़्यादा कम एंड मुझे चाहिए क्राफ्टिंग टेबल एंड थोड़े से लॉग ज़्यादा नहीं क्योंकि भाई मेरे को ना ऐसा क्राफ्टिंग टेबल बनाना है एंड जो चारों तरफ का स्टेयर्स का काम है ना वो भी करना है मतलब उड़ते उड़ते क्राफ्ट कर लिया यार मैंने लाइक दे दो यार वीडियो को प्लीज इतना मेहनत करता है मैं मैं इतना मेहनत करता है मैं। प्लीज लाइक दे दो ओके थर्टी सिक्स मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है फोर्टी तो फोर ले लो एंड ये जो है ऐसा 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 ये चारों तरफ लगेगा ऑल तो गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड मैं जा रहा हूँ अपना एक कार्यक्रम करने जिसका नाम है लकर कट्टम नाइस नीम लाल किले मुझे जाना है कहाँ कहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा ये है ये है इधर इधर चल ले चलो एंड इधर आ जाओ एंड देन इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ एंड देन ये देख लो चार स्टैग आते हैं यार मतलब एक स्टैग से समझ लो चालीस स्टेयर्स आती हैं बस एंड जो कि बहुत ही कम है से तो कुछ भी नहीं होगा एंड अभी क्या है कि मेरे को जाना है एंड अपने जो भी सामान है जो कि मैं रख सकता हूँ उन चीज़ों को रख दूंगा लाइक ये 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 ठीक है एंड मैं जा रहा हूँ फिर से कुछ लकड़ियाँ तोड़ने बट इस बार मैं तोड़ूंगा क्या यस yes, बिल्कुल सही समझा तुमने एंड इनको तोड़ने में तो मुझे लगता भी नहीं कुछ टाइम लगेगा मुझे एक वुड फार्म बनाना चाहिए सबसे पहले मैं एक वुड फार्म बनाऊंगा तो गाइस कमेंट करो कि वुड फार्म मेरे को बनाना चाहिए कि नहीं एंड मैं जो जो कमेंट बोलता हूँ कर दिया करो यार मैं पक्का से उनका रिप्लाई दूंगा तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा <Credit app Walking Tortilla> भाई हम लोग दिख देते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं मिलता है मैं ऐसा हूं कि मैं रिप्लाई दे दूंगा जो भी था जितना भी था मैंने बना लिया अभी देखो यहाँ पे बनेगा डोर तो मैं इस एरिया से तो थो थोड़ा दूर ही रहूंगा अभी मेरे को क्या है ओक के प्लांक्स लाने हैं इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे थे मेरे को सामान इकट्ठा करके रखना चाहिए था जो कि मैंने करके नहीं रखा अभी देखो ये ना वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके okay, तो ये ये सही है हाँ ये सही है देख लिया देख लिया ये ऐसे लगेगा बट मैं क्या बोल रहा था कि अगर यहाँ पे हम लोग इफ मेरा मन था यहाँ पे ग्लास लगाने का बट अगर हम लोग यहाँ पे ये कर दें तो मुझे थोड़ा सा और लग रहा है आइडिया में थोड़ा सा बदलाव आएगा कि मैं आइडिया में बदलाव लाता हूँ एंड मैं ला के रहूँगा ओके देन ये ऐसे ऊपर जाओ थोड़ा सा आ, आ, ये वन देन ये वन मैं बस अपना काम बढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मतलब मेरे पास सामान इकट्ठा है नहीं एंड मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ हे भगवान ओके ये हो गया एंड देन ये जो है ये पूरा भी हाँ ऐसे ही करना है सही बोल रहा हूँ देन ये जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड ये ऐसे अभी बताओ बट मैं अभी भी बोल रहा हूं ये गड़बड़ है समझा क्या तू समझा नहीं तू समझा नहीं पूरा ऐसे जब चारों तरफ से वॉल लगेंगी तो जो मजा आएगा वो अनबिलीवेबल होगा भाई बना के मिलते हैं ऑल राइट गाइस फ़िलहाल के लिए जो भी बॉल का काम था वो मैंने कर दिया एंड जो ग्लास पेंस मेरे पास पड़े थे ग्लासेस पड़े थे बेसिकली उनका मैंने ग्लास पेंस बना के ये कर दिया है एंड लगा दिया मैंने यहाँ पे कैसा लग रहा है तुम तो लोग बताओ अभी बारी है यहाँ पे लाइटिंग की क्योंकि लाइटिंग में नो no कॉम्प्रोमाइज़ मैं तो बिल्कुल ही लाइट्स में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ इसकी वजह से मेरा गेम भी बहुत लैक करता है बट नहीं थोड़ा सा सह लेंगे लेकिन लाइट्स तो पूरे चाहिए मेरे को लाइक ये देखो वन टू थ्री एंड इसको पूरा मेरे को चारों तरफ से ऐसा लगाना है एंड बस और क्या है ओके गाइस यार ये मैंने लगा तो दिया एंड मेरे को ये पता नहीं है कि इसको सिल्कटर से तोड़ने पे तो पूरा आता है तो इसको अगर ऐसे ही तोड़ देंगे तो तो भी पूरा ही आता है यार इस पर जो है रेड स्टोन बिछाना है उससे पहले भी यू नो मुझे एक काम करना है कि थोड़े मोड़े ब्लॉक्स जो मैंने इसमें रखे थे या आई हैव इट आई देन व्हाट शुड डू डैट की इनकी ज़रूरत है नहीं मुझे तो जितना है हो सकता है इनको रख ही दो एंड लाल के लिए मुझे एक लीवर बना के लाना है मुझे एक स्टोन चाहिए होगा एंड वो चाहिए होगा ये yeah, then... है एंड देन स्टोन कहाँ से लाऊँ? एक मिनट लीवर बनाने के लिए मुझे इतना दूर जाना पड़ा है ऐसे एंड देन ये ऐसा अभी मैं लीवर क्यों बनाया है? मैं बताता ही नहीं. मैं ही बताता है लेकिन मैंने लीवर क्यों ही बनाया है मैं अभी यही सोच रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा फिलहाल तो के लिए you यू know, नो ऐसा इसको करना है कुछ एंड देन ये पकड़ लो हाथ में एंड देन ये पकड़ लो हाथ में अभी क्या है कि इसको पूरा ऐसा ऐसा लगाते जाना है एंड जहाँ पे तुमको ऐसा लगे कि ये जरूरत है सॉरी ये जरूरत है तो तुरंत लगा देना ठीक है जिससे करंट आगे फ्लो कर पाए मैं तो कह रहा हूँ ना लगाते चलो पहले एंड जहाँ पे तुम्हें लगे कि यू नो ऐसा मुझे चेंज करना चाहिए चेंज कर दो बस सिंपल है यार ये तू हो गया गाइस इट्स फाइनली डन अभी इसका क्या है कि अभी झोपड़ी टाइप वो जो आ, वो होगा वो है थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना है एंड ये जो है ये को ऐसा यू नो स्ट्रैप कर देंगे भाई इसके आवाज में कितना मजा आता है चलो तुम लोग भी सुनो लेकिन उससे पहले ना यू नो इसको मैं हटा देगा क्योंकि तो मैं नहीं चाहता कि बार बार टॉर्च लगे इसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है इट्स डन अभी जो झोपड़ी वाला है वो पूरा बनाना है तो उसको मैं तो ऐसा प्लान ऐसा बर्स के ही इस्टेज से बनाऊंगा एंड थोड़े बहुत डेकोरेशन है फेंसेस का थोड़ा बहुत कर देंगे कुछ एंड जो है इसके लिए शे शेड बना देंगे एक स्लैब्स तो का शेड बना देंगे वो है ऐसा वुडलैंड वाला थोड़ा सा थीम देना है हो जाएगा करके मिलते हैं ऑल राइट गाइज फ़िलहाल के लिए जो भी मैंने वादे किए थे आई थिंक सो वो मैंने अच्छे से निभाए हैं तुम को कैसा लग रहा है ये पहला लुक देखो एंड अच्छ मतलब पूरा लुक नहीं आ पाएगा लाइक अभी बहुत सादा लग रहा होगा क्योंकि अभी इस पर फेंसिंग होनी है एंड यार देख लो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर फेंस लगाने वाला हूँ इन पे इन पे जिनसे एक लगे कि हाँ भाई ये शीशे ऐसे ही लटके हैं एंड सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे डोर लगाऊंगा एंड थर्ड थिंग डोर लगाने का को उतना मिल नहीं रहा है अभी यहाँ से मैं एक एक ब्लॉक छोड़ के बेड्स लगाऊंगा एंड मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ बीच में स्विमिंग पूल एंड 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 देन बाहर से मैं उसको कवर कर दूंगा जिससे मतलब ऐसा बिल्कुल ना लगे कि स्विमिंग पूल में ऐसा कुछ है दिक्कतें हाँ मैं स्विमिंग पूल एक यहाँ पे बनाऊंगा एक उधर बनाऊंगा एंड बेड बीच में जो रखना है वो रखूँगा तो ये सब बना के मिलते हैं यार मैं बस ऐसा इतला करने आया था कि कैसा लग रहा है यार कमेंट करो और राइट गाइज आफ्टर आ लॉन्ग टाइम वापस से मैं आ गया हूँ एंड सारे सरकारी गोलन देखो यार मतलब ये टोटली मैं बताऊँ तो इसको ही टिक करने में मुझे जो टाइम लगा होगा वो तुम लोग ही जानो मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला एंड ये कितने सारे हैं अगर मान लो यहाँ पे गलती से भी एक जॉम्बी स्पॉन हो गया मुझे लग रहा है एक वार्डन भी स्पॉन हो गया ना यहाँ पे तो वार्डन भी जाएगा नहीं वार्डन स्पॉन होगा ही नहीं ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें एंड अब बारी आती है वो दिखाने की चीज़ जो जिसके लिए मैंने मतलब पूरी वीडियो ओपन की थी है ना अब इसमें विलेजर लाना बाकी है बट ये है कुछ फर्स्ट लुक एंड कैसा लग रहा है बताओ यार तुम लोग मैं वहां पे कुछ कुछ लैंटर्स लटकाने वाला था वो मैंने लटकाना भूल गया एंड नो विलेजर स्पॉन हो सकते है क्या नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है hmm. भाई गोले में तो विलेजर भी स्पॉन हो सकते हैं क्या वाह wow. यानी कि मुझे एक ही एक ही विलेजर लाना पड़ेगा एंड हाँ मैंने जैसे बोला था कि एक स्विमिंग पूल है जो कि मैं बनाऊंगा जो कि यही है एंड ये आग कैसा लग रहा है इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों एंड यहीं से लाइट है कोर्स रात नहीं है तो दिन तो आएगा ही एंड मैंने गेट के सामने यहाँ पे लगा दिए है ऑल दो मैं यहाँ पे तब भी डोर लगा दूंगा है हाँ ना क्योंकि रिक्स नहीं लेने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का तो मुझे लगता है आज के लिए वीडियो मुझे यहीं पे खत्म करनी चाहिए तो ऑल राइट गाइस आज के वीडियो के लिए इतना मिलते हैं वीडियो में थैंक्स फॉर अगर वीडियो चलिए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर दो अमेजिंग तो वीडियो के लिए मैं मिलूंगा वीडियो में टेल एंड टेक केर बाय बाय मेरे दोस्तों अंड हाँ प्लीज से मेरे को बता देना कि मुझे क्या करना चाहिए इसके आगे बाय